नमस्कार मित्रों, सो स्वीट किचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, जहां हम बनाते हैं पारंपरिक व्यंजन बिल्कुल पारंपरिक पद्धति से। आज का ये वीडियो उनके लिए है जो मेरी तरह नवरात्रि में फलाहार करते हैं। यहां फलाहार का मतलब है सिर्फ फल और दूध लेना, या ज्यादा से ज्यादा छाछ ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, पर फल और दूध ही लेते हैं। कुछ तली हुई चीजें खाते नहीं है, नमक खाते नहीं है। तो उनके लिए वीडियो है, क्या होता है कि नवरात्रि में हम फलाहार जब करते हैं, सिर्फ फलाहार पे करते हैं, या बोलते हैं कि निराहार जो नवरात्रि उपवास करते हैं, तो शरीर हमारा थोड़ा सा पाचन शक्ति हमारी उस वक्त कमजोर हो जाती है, क्योंकि हम बिल्कुल हल्का पचने वाला खाना ही ले रहे हैं। फ्रूट्स है तो वो बिल्कुल सुपाच्य होते हैं, वो ही ले रहे हैं हम हल्का, तो शरीर को हमारी आंतों को 9 दिन तक वो आदत नहीं रहती है कुछ भी जड़ भोजन पचाने की। तो अगर हम उपवास छोड़ते वक्त सीधा हमने अगर अनाज खा लिया, जैसे चपाती खा ली या पूरी खा ली, चने खा लिए, हलवा खा लिया, तो हमें तकलीफ हो सकती है उसकी। तो इसके लिए ये आज मैं बनाऊंगी गूंद की रवि। गूंद की रवि, ये हमारे यहाँ इसको गूंद की रवि बोलते हैं मारवाड़ में। आप इसको गोंद का सूप भी बोल सकते हैं। गोंद जो गोंद कतीरा होता है, एडिबल गम, उसका सूप है ये। मेरी दादी की रेसिपी है ये, मेरी दादी ने बताया है कि कैसे बनाई जाती है मुझे। तो ये रेसिपी अब पारंपरिक रेसिपी है, और आगे सर्दियां आ रही है तो उस वक्त भी आप ये रोज पी सकते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं गोंद का सूप। गोंद की रवि या गोंद का सूप कह सकते हैं हम। उसके लिए मैंने ये यहाँ पे खाने वाला जो गोंद होता है, गोंद कतीरा, एडिबल गम, उसका मैंने मिक्सर में पाउडर कर दिया, इसको थोड़ा दरदरा पीस लिया है, वो लिया है मैंने। बादाम मैंने थोड़े मिक्सर में क्रश करके ले लिए, और गुड़ लिया है मैंने, ये नॉन केमिकल गुड़ है। सौंठ का पाउडर लिया है मैंने, जो ड्राई जिंजर पाउडर होता है वो, और काली मिर्च ली है। चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पे, इस पे डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच जितना घी। घी अगर आप अच्छा पसंद करते हैं तो ज्यादा भी ले सकते हैं, आपको जैसा पसंद है उस हिसाब से ले सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, पर अंदाजन 1.5 चम्मच घी तो इसमें चाहिए हमें। घी गर्म होते ही मैं इसमें डाल रही हूँ हमारा गोंद का पाउडर। ये जो रेगुलर हमारा चम्मच होता है पोहे खाने का, उस चम्मच से करीब 1.5 चम्मच जितना मैं इसमें गोंद का पाउडर डाल रही हूँ, और इसको अच्छी तरह से इसके फूले बन जाने चाहिए, फूल जाना चाहिए ये, ऐसा हमें करना है। गोंद अच्छा फूल गया है, मैंने एक तरफ गर्म पानी होने के लिए रख दिया था गैस में, तो वो गर्म पानी अंदाजन 150 से 200 ml जितना इसमें डालना है। ये करीब 200 ml जितना पानी इसमें डालना है। आप गाढ़ा पतला कैसा पसंद करते हैं उस हिसाब से भी ले सकते हैं, इसमें प्रमाण का ऐसा कुछ नहीं है, बस ये प्रोसेस ये देख लें कि इस तरह से बनाना है और उसको फॉलो करें आप। और पानी गर्म ही लेना है उबाल के, ठंडा पानी नहीं डालना है। ठंडा पानी डाला तो ये आपका गोंद बिल्कुल ही तैयार नहीं होगा, चिपक जाएगा वो। गर्म पानी डालना है, इसको हमें थोड़ा हिलाते जाना है। ये जो हमारा गोंद का सूप जो तैयार होगा, इसको हमारे मारवाड़ में बोलते हैं गोंद की रवि, गूंद की रवि बोलते हैं इसको। तो ये कैसा है कि जो प्रसूता होती है, मतलब डिलीवरी होती है किसी औरत की, तो उसको 10 दिन तक रोज सुबह खाली पेट यही पीने को दिया जाता है। तो उससे ऐसा बोलते हैं कि बहुत ही ये पुष्टि वाला होता है, ताकत मिलती है इससे। और गोंद आपको पता ही होगा कि कैल्शियम की कमी पूरी करता है गोंद, और घी है तो वो हमारे शरीर में क्या बोलेंगे उसको, चिकनाहट जो चाहिए होता है वो घी से ठीक होता है, पेट में कोटिंग हो जाती है घी की उससे, तो ये बहुत ही फायदेमंद होता है। और वैसे भी जिन औरतों को कमर दर्द की शिकायत रहती है, औरतों को तो रहती है वैसे, तो जिन औरतों को ज्यादा शिकायत रहती है कमर दर्द की, तो वो अगर लगातार 2-3 महीने ये पिए ना सुबह खाली पेट ये गोंद का सूप, तो उनको इसमें बहुत आराम मिलेगा। आगे भी सर्दियां आ रही है, दिवाली के बाद सर्दियां आ रही है, तो उस वक्त आप लोग अगर ये रोज भी पीते हैं ये बना के, तो ये बहुत ही फायदेमंद है, ये आप लोग जरूर पीजिए। ये हमारी सारी जो पुरानी चीजें, सारी पारंपरिक चीजें हैं, पारंपरिक रेसिपीज है सारी, जो हम अभी भूल चुके हैं। और मुझे जहां तक मुझे पता है, आजकल शायद लड़कियां डिलीवरी के बाद नहीं पीना चाहती होंगी ये चीजें, उनको लगता होगा कि क्या ये है, लेकिन जो हमारी परंपरा जो है वो निभानी चाहिए हमें। उसमें सारा हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए हमें सब कुछ बताया गया है, सिखाया गया है,
तो वो फॉलो करना चाहिए। तो इन सर्दियों में आप लोग ये जरूर ट्राई कीजिए, सभी मेंबर घर के पीजिए। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ औरतों को पीना है या सिर्फ पुरुषों को पीना है, बच्चे बूढ़े बड़े सभी इसको पी सकते हैं, बहुत ही फायदेमंद होता है ये। अब देखिए इसमें हमने गोंद, जब पानी डाला था तो थोड़ा सा गोंद ऐसे डली जैसा बन गया था, लेकिन अब बिल्कुल वो डली उसकी पिघल गई है, एकदम ये तैयार हो गया, एकदम पतला क्लियर तैयार हो गया सूप। अब इस वक्त मैं इसमें डाल दूंगी बादाम, बादाम का भी वही पाउडर डालना है, तो आपको जैसा पसंद है वैसे डालें, बादाम तो बहुत ही फायदेमंद होता है, तो इसमें ऐसा इसमें भी कुछ प्रमाण ऐसा नहीं है, वो डालना है। और अब इसमें डाल देते हैं गुड़, गुड़ को थोड़ा मैंने टुकड़ों में तोड़ लिया है, गुड़ भी आपको जैसा मीठा पसंद है उस हिसाब से डालें। ये करीब 2 चम्मच जितना गुड़ इसमें मैंने डाल दिया है। शक्कर में भी कुछ लोग बनाते हैं लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, गुड़ में बनाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अभी बस अब कल नवरात्रि हमारे उपवास छूटने वाले हैं, इस बार नवमी और दशहरा एक साथ आ गए, तो दशहरे के दिन ही उपवास छोड़ते हैं हम, पर उस दिन नवमी भी है, तो बस अब एक ही दिन है कल। और जो लोग बिल्कुल ही निराहार करते हैं, जैसे फ्रूट्स और दूध पे ही करते हैं नवरात्रि, कुछ लोग तो सिर्फ पानी पे भी करते हैं या सिर्फ दूध लेके भी करते हैं, तो उनको तो ये पहले लेना ही है। आप उपवास छोड़ने से पहले कम से कम 200 से 250 ml जितना ये पहले सूप पी लें गोंद का, उसके बाद आप मूंग दाल का पानी लें, पानी लेना है मूंग दाल का, मूंग दाल नहीं खानी है आपको, सिर्फ मूंग, आखा मूंग भिगो के और उसका उबाल के उसका पानी, उसके बाद कड़ी खिचड़ी ऐसा हल्का भोजन लें। उस दिन कम से कम आपको चपाती सब्जी ये सब चीज नहीं खानी है, मिर्च वगैरह नहीं खानी है, जो मेरी तरह जो लोग कर रहे हैं, जो मैं हमेशा 11 साल हो गए मुझे करते हुए, फलाहारी करती हूँ मैं, फल और दूध लेती हूँ मैं, तो मेरी दादी ने ये सिखाया हुआ है कि इस तरह से करना चाहिए उपवास छोड़ते समय। मेरी मम्मी करते थे तो दादी बनाते थे मम्मी के लिए कि ये इस तरह से बना के पियो आप, उसके बाद आपको दूसरे दिन उपवास ये छूट गया इससे, उसके बाद दूसरे दिन आपको चपाती खानी है, क्योंकि क्या होता है पेट हमारा एकदम आदत नहीं होती है पेट को भारी कुछ पचाने की, हल्का खाया हुआ होता है और अचानक से खा लिया अगर रोटी चपाती ऐसा तो वो नुकसान करता है। अब बस इसमें उबाल आ गया है, अब इसमें मैं 1 चिमटी जितनी काली मिर्च कुटी हुई डाल रही हूँ और 1 चिमटी सौंठ पाउडर डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आपको पसंद हो तो ले, पर ये अच्छा रहता है पीने के लिए। बस ये तैयार है सूप हमारा पीने के लिए, तो ये सूप हमारा तैयार है एकदम पीने के लिए गरम गरम। तो इस नवरात्रि पे आप जब उपवास छोड़ेंगे तो ये जरूर पीजिए आप, उसके बाद आप कुछ भी आपको खाना है अनाज का लें। और सर्दी आने वाली है तो सर्दियों में आप रोज सुबह चाय की जगह पहले ये पिए, उसके बाद आपके दिन की शुरुआत करें। 3 महीने आपने लगातार ले लिया ना, तो फिर देखिए आपको फर्क खुद महसूस होगा आपके शरीर में, बहुत ही बढ़िया पौष्टिक है ये। तो कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो आपको, मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए, और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि मेरे हर नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपके समय पे मिलते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।